नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम बिरजू सिंह है। बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव के लिहाज जनता को, चूँकि लोकतंत्र है, इसमें जो आम जनता होती है वही निर्णय करती है कि सत्ता में कौन बैठेगा कौन नहीं। इसके बावजूद जो है बिहार में महागठबंधन एनडीए, जो एनडीए सत्ता में है, महागठबंधन विपक्ष की भूमिका निभा रही है। इस सभी के बावजूद जो है जनता को एक तीसरा विकल्प दिया गया है यशवंत सिन्हा के नेतृत्व में। इसमें देख सकते हैं हम, जनता दल राष्ट्रवादी यूडीए के बैनर पोस्टर के तले हैं। यहाँ पे राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर नगनारायण प्रसाद कुशवाहा हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप लोग बैठक किए थे, बैठक का मूल विषय क्या था, किन बिंदुओं पर बातचीत किया? बैठक कोई खास नहीं था। हाँ, यही दो चार आदमी है, पाँच आदमी, उन सभी के बातचीत, जैसे कि कुछ मुद्दा होगा उनसे बातचीत की होंगे आप लोग। प्रोग्राम के लिए विचार बन रहा है। अच्छा, कि प्रोग्राम कहाँ कहाँ होगा, कब कब होगा। अच्छा, आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि तीसरे मोर्चे का नेतृत्व जो है यशवंत सिन्हा कर रहे हैं, क्या सीएम उम्मीदवार हो सकते हैं वो? तीसरे मोर्चा का यशवंत सिन्हा संचालक हैं, सारे काम में आ गए हैं, बुजुर्ग हैं, वित्त मंत्री रह चुके हुए हैं केंद्र में, और जनता दल राष्ट्रवादी पार्टी जो है इनके साथ जुड़ी हुई है, जनता दल राष्ट्रवादी, इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रंजन यादव जी, इसका संचालक हैं अशफाक रहमान जी, इसका संचालक है, अभी इसी कार्यालय में हम लोग बैठे हैं, अशफाक रहमान जी कार्यालय में हम लोग बैठे हुए हैं, यही कार्यालय है हम लोग का। इसका प्रदेश अध्यक्ष हैं जुल्फकार जी, जुल्फकार आफ्ताब जी इसका प्रदेश अध्यक्ष हैं, और इसमें बबलू जी, बबलू कुशवाहा जी उप प्रदेश अध्यक्ष हैं, और अन्य लोग हैं जिनका पद है। तो पार्टी की बात चल रही है कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे तीसरा गठबंधन में, सारे लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। अभी हम लोग गठबंधन की कोई बात नहीं है, हम किसके साथ लड़ेंगे, हम तो, हमारी तो पार्टी अलग है, तीसरा फ्रंट ही अलग है। हमको नया बिहार बनाना है, नया केंद्र बनाना है, नया सब बनाना है, तो हम काहे किसी से मिलने जाएंगे? क्या क्या कमी लग रही है जो आप लोग को एक विकल्प देना पड़ा जनता को, क्या सरकार काम नहीं कर रही है? कमी तो लग रही है कि अभी शिक्षा भी बेकार है, सातवां वेतन का मांग लोग कर रहे थे शिक्षक लोग, सातवां वेतन के बारे में सरकार नीतीश बाबू कुछ नहीं बोले, बाद में बोलते हैं कि 2021 में फरवरी के बाद हम सातवां वेतन देंगे। अच्छी बताइए, कोई मर जाता है तो क्या क्या घास खाता है, खाना खाता है? नीतीश बाबू की सरकार ही गिर जाएगी 2021 में, 2020 में, तो फिर 2021 में कहाँ से देंगे वो सातवां वेतन? ऐसा बात बोल रहे हैं नीतीश बाबू, नहीं कि चुन के भेजिए तो हम देंगे। अरे तो चुन को तो पहले ही कैसे कह देंगे हम 2021 में आपको सातवां वेतन देंगे? अभी मत कहिए, आप अभी दीजिए उन लोगों का सातवां वेतन, टीचर लोगों का सातवां वेतन आप अभी दीजिए, बरगलाइए मत। हम नीतीश बाबू से कहना चाहते हैं, अभी हमारे शिक्षक लोग मत बरगलाइए, आप सातवां वेतन दीजिए। बताइए, इसके पहले जितने लोग रिटायर हुए हैं 70,000, 80,000, 90,000, 1,00,000 पर रिटायर हुए हैं, और इन लोगों को 28,000, 25,000, 23,000, 30,000 रुपया दे रहे हैं। बताइए 28-30,000 में क्या होने वाला है आज के समय में? तीन लड़का का पढ़ाई में 30,000 ख़त्म हो जाएगा, घर कहाँ से बनेगा, परिवार कहाँ से चलेगा, क्या सोच रहे हैं नीतीश बाबू, समझ में नहीं आता है। फालतू जगह पर पैसा लुटाया जा रहा है। अच्छा, बिहार में स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, ऐसी लगातार विपक्ष जो है आवाज़ उठा रही है, क्या उन्हीं आवाज़ों को, वही मुद्दे को लेकर तीसरे फ्रंट आएगी आगे? अभी हम शिक्षा पर बोल रहे हैं। हाँ, कि जितने सरकारी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, क्या उसमें पढ़ाई हो रही है? नहीं। क्या नीतीश बाबू इसको नहीं देख रहे हैं कि पढ़ाई नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? अब प्राइवेट जितने स्कूल हैं उसी में क्यों पढ़ाई हो रही है? सारे लड़के जा रहे हैं कोचिंग करने, क्या सरकार इसमें विफल है तब न जा रहे हैं? सरकार सफल होती तो सारे लड़के जाते स्कूल में, केवल परीक्षा तो ले रहे हैं, ऐसे ढंग से परीक्षा ले रहे हैं कि 50% लड़का फेल हो जाएंगे। नौकरी हम नहीं देंगे, नौकरी देना नहीं चाहते हैं, रोज़गार देना नहीं चाहते हैं,
तो शिक्षा किस आधार पर है उनका? किसी स्कूल में लैब है प्रैक्टिकल करने का लैब? चलिए आप लोग जाकर जांच कीजिए, देखिए किसी स्कूल में लैब नहीं है, कहीं लैब नहीं है कि प्रैक्टिकल होगा। साइंस की पढ़ाई जो होती है और उसका लैब नहीं है प्रैक्टिकल करने का, तो किस बात की शिक्षा स्कूल? कुछ नहीं। आप लोग की सरकार आएगी तो सारे बदलाव होंगे क्या? बिल्कुल बदलाव होगी। हमारी सरकार आएगी तो बिहार में हम शराब बंद करके अब बॉर्डर से बिहार में शराब नहीं अंदर मंगवाएंगे। अगर बंद भी करवाएंगे तो पूरा बॉर्डर सील रहेगा। सरकार का नीति ही गलत है नीतीश बाबू की। आज बॉर्डर से कैसे शराब अंदर आ रहा है जब नीतीश बाबू सरकार बंद कराए हैं तो? जब शराब बंद कराए हैं तो कैसे आ रहा है नहीं जानते हैं? पटना से बैठे बैठे गोपालगंज के बारे में जान जाते हैं, अब पटना से बैठे बैठे बॉर्डर के हाल नहीं जानते हैं कि यूपी से शराब आ रहा है, नेपाल से शराब आ रहा है, क्यों नहीं जानते हैं? सब जानते हैं। अच्छा, आप लोग को ये आरोप भी लग रहा है कि आज जो तीसरा मोर्चा का गठन किया गया है ये टिकट बेचने के लिए, क्या लगता है इस आरोप से कितना ताल्लुक रखते हैं आप? तीसरा मोर्चा में किसी के पास कमी नहीं है कि टिकट बेचेंगे। तीसरा मोर्चा का दिल बहुत बड़ा है, बुजुर्ग लोग हैं इसमें, दिमाग ज़्यादा है उन लोगों के पास, सारी काम दिमाग से होती है, टिकट बेचने से क्या होगा? अगर हम टिकट बेचेंगे तो हमारे पार्टी में जितने गरीब लोग हैं तो क्या चुनाव लड़ पाएंगे? बोलिए, जिसके पास 10-20-50,000 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000, 5,00,000, 20,00,000 है क्या चुनाव लड़ पाएंगे? ये काम है नीतीश बाबू का, अराजकता का, लालू यादव के पार्टी का, टिकट बेचना उन लोगों का काम है। चलिए टिकट अगर रखे हुए हैं लोग, जाइए 1-2 करोड़ दे दीजिए, टिकट मिल जाएगा। आप कैसे लोगों को टिकट नहीं, नहीं हम शिक्षित लोगों को टिकट देंगे, सामाजिक लोगों को टिकट देंगे जिसको हर एक चीज़ की जानकारी होगी, समाज के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, अपना बात व्यवहार रखेंगे, हर एक तरह से लोगों को सजा उजाकर बात करेंगे, चलेंगे, किसान लोगों को सहयोग देंगे, शिक्षक लोगों को सहयोग देंगे, सारे लोगों को, स्वास्थ्य विभाग के लोगों को सहयोग देंगे, डॉक्टर लोगों को मारा जाता है पीटा जाता है इसके बारे में थोड़ा सोचा समझा जाएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। नीतीश बाबू किसी हॉस्पिटल में डिस्पोजल सिरिंज नहीं दे रहे हैं, मेडिसिन नहीं दे रहे हैं, टीका नहीं दे रहे हैं, तो क्या हाला ही ना होगा? मेडिसिन नहीं होगा तो लोग क्या करेंगे? मेडिसिन के लिए हाला करेंगे डॉक्टर साहब से हाला होगा, डॉक्टर साहब को तबड़ाक लगेगा। नीतीश कुमार का किया जाता है, पिटा रहे हैं डॉक्टर साहब, हड़ताल पर हैं डॉक्टर साहब, ये नीतीश बाबू की कमी है। हर एक जगह स्वास्थ्य विभाग में कुछ भी नहीं है, अभी तत्काल में बहुत जगह स्वास्थ्य विभाग में पानी लगा हुआ है, सरकार की सोच नहीं है। देखिए युवाओं को लेकर बहुत सारे बातें होती है, युवाओं को चाहिए क्या? जो पढ़े लिखे युवा उसको रोजगार चाहिए। बिहार में रोजगार का कितना किल्लत है किसी छिपा नहीं है, आप लोग उन युवाओं के लिए क्या करेंगे? पढ़े हुए युवाओं के लिए रोजगार चाहिए, लेकिन नीतीश बाबू की सरकार को पढ़े हुए युवाओं को राजनीति में डालने के विचार चाहिए, उनको राजनीति रखने का विचार है। ये सब नवयुवक ज़्यादा दौड़ेगा तो हमारा राजनीति चमकेगा, अपना राजनीति चमकाओगे हमारा बाल बच्चा उसका क्या करेगा? जो नवयुवक लोग राजनीति में जाएंगे तो उसका बाल बच्चा क्या करेगा? क्या उससे कुछ फायदा होने वाला है? क्या लगता है लालू यादव के समय जो जंगल राज बताया जाता है वो भी सरकार सही नहीं थी, 15 साल ये भी राज्य के भी सही नहीं थे, तब आखिरकार आप लोगों को एक विकल्प देना पड़ा। उन 30 साल की बात कर दिया जाए तो उसमें फैक्ट्री नहीं लगे, एक सुई तक का कारखाना नहीं लगाने का आरोप करता है, क्या उन 30 सालों के बराबर आपका 5 साल हुआ क्या? अगर मौका आपको सरकार देती है तो, बस सॉरी माफ कीजिएगा, जनता मौका देती है तो? लालू यादव के समय में बात कुछ और थी, इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस के सरकार में जब कुछ नहीं हुआ तो राजद की सरकार में लालू यादव भी कुछ नहीं किए, वो पार्टी को चलाने बनाने चमकाने में ही रह गए, उसी में फेलियर हो गए, पास नहीं किए, समाज के लोगों को सजाने में ही रह गए, चारा पाठशाला बनाने में ही रह गए, कमज़ोर लोगों को थोड़ा सजाने में ही रह गए, काम कुछ आगे नहीं किए, फिर भी वो गरीबों मजदूरों को आगे बढ़ाए हैं, जीवन दिए हैं, इसके लिए हम मानते हैं कि इसके लिए वो ठीक हैं कि उनके सहारे पर गरीब मजदूर थोड़ा सा आगे बढ़े हुए हैं,
ये जरूरी है। एक अंतिम सवाल, मांझी जी और पप्पू यादव इंतजार कर रहे हैं कि तीसरे मोर्चा कब उनको एक्सेप्ट करे, वो लोग लाइन में लगे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं लेकिन आप लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, क्या लगता है चुनाव मैदान में? आप बोलते हैं कि सब लोग इकट्ठा होंगे और उन लोगों को छोड़ दे रहे हैं, क्या रामविलास पासवान जी होंगे, चिराग पासवान जी होंगे, जीतनराम मांझी जी होंगे, इन लोगों की चाह होगी तो हम स्वीकार करेंगे अपने पार्टी के तरफ से। यादव को छोड़ देंगे, पप्पू यादव को भी रखेंगे, स्वागत कर रहे हैं ना पार्टी में? बिल्कुल स्वागत कर रहे हैं, आ सकते हैं ना? आ सकते हैं, आएंगे तो हम रख सकते हैं, आएंगे तो हमारी पार्टी रख सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि इन्होंने कह दिया कि पप्पू यादव जनता पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव भी इस गठबंधन में आ सकते हैं, हालांकि बातचीत वो भी कर रहे हैं कि हमारी बातचीत हो रही है तीसरे फ्रंट से, लेकिन अभी तक बातचीत नहीं बन पाई है। लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा कि अब जो है वो भी आ सकते हैं, क्योंकि लड़ाई एनडीए से है, सत्ता में बैठे लोगों से है, और लड़ाई करने के लिए एकजुट होना तभी संभव हो पाएगा लड़ाई। तो फिलहाल कितना ही, जुड़े भारत लाइव के साथ, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।